समाज में हमें रहना है और इसके लिए मेरे जो बाकी के लोग हैं उनको जगाओ, उनको जागने की ज़रूरत है ताकि वो लड़ाई कर सकें आज़ादी के लिए। तो बेसिक ये चैप्टर जो है पॉइंट जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश रूल के टाइम पे लिखा था, जब हम क्या कहते हैं गुलाम थे उनके, और वो चाहते थे कि हमारे जो भाई हैं उन सबको जो है आज़ादी मिले। और वो आज़ादी कैसे मिलेगी, जब हम खुद ठान लेंगे कि हमें कुछ करना है तभी हमें आज़ादी मिलेगी। उस टाइम पे उन्होंने ये जो पोएम है बाकी के देशवासियों के लिए लिखी थी। इस पोएम में मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो उन सबको बोल रहे हैं, बाकी सारे देशवासियों को, अपने फेलो मेंबर्स को बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसा मन बनाना है, एक ऐसा दिमाग बनाना है जहाँ पर हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई डर ना हो और हमारा सर जो है ऊँचा रहे, किसी के सामने झुके नहीं, जहाँ पर हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार हो, हम डर के ना रहें, ऐसी जगह जहाँ पर जो है लोग आपस में जातियों में ना बटे हों कि तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू मुस्लिम है, इस तरीके से ना बटे हों। हम सबका एक ही लक्ष्य हो आज़ादी पाने का, और उसे पाने के लिए हम सब एक साथ एक होकर लड़ाई करें, और हम जो लड़ाई कर रहे हैं उसे करते करते इधर उधर भटके ना, हमारा जो गोल है हम उसी की तरफ जो है अपनी सारी शक्ति लगा दें और आज़ादी को पाकर दिखाएं। This is what Rabindranath Tagore wants to convey to the people of the India at the time of the British rule, right? On this note, I am ending this class. Hope you understand today's class. Thank you.